हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे हाफ एन आवर के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों करंट अफेयर, द हिंदू के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उन सभी को हम कवर करते हैं। होपफुली दोस्तों कि आप सभी लोग रेगुलर जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज सुनने में आया कि आज काफ़ी बच्चे हैं जो कि छुट्टी करने वाले हैं, तो भाई छुट्टी वुट्टी मत करो। मुझे मालूम है आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो आप महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो है आपकी पढ़ाई जो है, आपका जो कर्मा है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद में बाकी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, अंकित सर सुबह 7 बजे आपको पढ़ा रहे हैं, नीरज सर आपको सुबह 7 बजे पढ़ा रहे हैं यूपीएससी पे। तो होपफुली यार आप लोगों को भी जो अपना पढ़ने का जो मोटिवेशन लेवल है वो ऊपर रखना चाहिए, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह नेक्स्ट चलते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद में देखेंगे कि 1 मिनट के लिए अनअकैडमी के ऊपर क्या चल रहा है, और साथ में देखने वाले हैं कि आज का इंपॉर्टेंट सेशन क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी दोस्तों पीडीएफ और सभी वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो इसमें 26,000 25,000 जो बच्चे हो ना, वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 40,000 वाला मत करना, वो मेरा नहीं है। ठीक है ना, और मैं बंद भी नहीं करवाना चाहता, कोई कर रहा है तो करने दो किसी को, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई यूपीएससी, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, कोई यूजीसी का एग्जाम है, कोई पीसीएस का एग्जाम है, कैट या सीडीएस, कोई सा भी इंडिया में घर बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो रेफरल कोड BHUNESH भुवनेश 10 है जो कि आप यूज कर सकते हैं। आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर मेरे कोर्स की बात करें, अभी मेरा कौन सा चल रहा है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए करंट अफेयर का बैच है जो कि स्टार्ट किया हुआ है और 6 महीने का करंट अफेयर है जो कि मैं करवा रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना। आपको मात्र 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्या करने वाले हो, आपको 6 मंथ का करंट अफेयर भी मिल जाएगा और साथ में जीके की जो है वो सारी क्लासेस मिल जाएगी। जीके क्लासेस से कहने का मेरा मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। कभी आपने मेरे से नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, लाइफ में दोस्तों वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली 2 से 3 बजे के बीच में जो ये क्लास होती है, 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आप ये भी कवर कर लोगे और साथ में जो है आपके 6 मंथ का जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ वो भी आप कवर कर सकते हो। साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये सारी क्लासेस आपको मिली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बैंक की क्लासेस चल रही है, रेलवे के अंदर दोस्तों बूस्टर स्टार्ट हो चुका है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का भी स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट वेस्ट आपको मिली जाएंगे। आपका पहला सवाल था जो कि मैंने आपसे पूछा था दोस्तों, FATF का मुख्यालय जो है वो कहां पर है, FATF का मुख्यालय के बारे में पूछा था मैंने, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दोस्तों जो कि था, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो मैंडरिन, यानी कि जो चाइनीज लैंग्वेज है वो दुनिया में 2nd सबसे ज्यादा बोली जाती है। हमारी हिंदी जो है वो कौन से नंबर के ऊपर है, 3rd नंबर के ऊपर है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने का बजट पेश किया है, तो 5,12,000 करोड़ रुपए का बजट है जो कि पेश किया है। इसके ऊपर दोस्तों आपके लिए आज जो है वो मैं आपको आज और कल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं। एक है उत्तर प्रदेश का जो बजट है ना, उससे रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। कल राजस्थान का भी बजट जो है वो पेश किया गया है, तो राजस्थान से भी जो बजट से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है ना, और जिस जिस राज्य का बजट आता जाएगा उसकी हम डिस्कशन करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुनील कुमार आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ की ग्रासरूट चार्टर कास्ट स्तर जो है वो हासिल किया है, तो ये इंडिया ने किया है। निम्नलिखित में से किस बास्केटबॉल किंवदंती ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ड्रिक है जिनको सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोग प्लास्टिक उपयोग से मुक्त होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बन गया है। किस शहर में 14,000 टन के लिथियम भंडार पाए गए, तो ये बेंगलुरु के पास में पाए गए हैं। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ये 70वां है जो कि रिसेंटली हुआ है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रख दिया गया है। आज का देखते हैं कोट ऑफ द डे जो कि फैजान के द्वारा भेजा गया है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें और समय बदलता ही है। काफी अच्छी बात है जो कि फैजान ने बोली और ये बिल्कुल बेसिक सा फिनोमिना है। जैसे ट्रैफिक लाइट में दोस्तों होता है, लाइफ के अंदर भी कुछ वैसा ही होता है और ये सच बात है। हमेशा कई बार जो है वो रेड लाइट का सामना करना पड़ता है, कई बार जो है वो ग्रीन लाइट जो है आपको रेड लाइट जो है उसके बाद में देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि प्रतीक्षा करना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टीचर हुआ करते थे मेरे फिजिक्स के, उन्होंने बोला था कि उनके बच्चे का नाम जो है वो पेशेंस रखना चाहते हैं। घर वाले बोले पेशेंस कोई नाम होता है क्या? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी के अंदर धैर्य है ना, पेशेंस है, तो वो जीवन में कुछ भी पा सकता है। मेहनत करना तो ज़रूरी है, देखो कर्मा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ में पेशेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करता है। तो घर वालों ने बोला पेशेंस नाम नहीं हो सकता, तो फाइनली जो है उस बच्चे का नाम धैर्य है जो कि रखा गया। ठीक है, तो बात दोनों की रह गई। तो होपफुली उस बच्चे के अंदर धैर्य रहे, नाम धैर्य होने से ज़रूरी नहीं धैर्य आ जाए, लेकिन नाम का काफ़ी इम्पैक्ट है जो कि इंसान की आइडेंटिटी के ऊपर पड़ता है वैसे। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो कि आज का द हिंदू। आज के द हिंदू की बात करें को लेकर है और जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, और पूरी दुनिया में काफ़ी देश है, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही जो है वो CAA का जो भारत का मूव है उसको क्रिटिसाइज कर रही है। ओके ठीक है, तो CAA के ऊपर जो मूव भारत ने लिया है, जो उसको पास करा है, उसको लेकर पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है। उसी को लेकर जो US का एक कमीशन है दोस्तों रिलीजियस को लेकर, उसने भी क्रिटिसाइज किया। उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या है ये पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों एक घटना बड़ी ज़्यादा बेकार हुई है यहाँ पे केरला के अंदर, और 19 लोगों की जो है वो जान चली गई है। एक बस का ड्राइवर है उसको नींद आ गई और उसके ऊपर जो है वो कंटेनर है जो कि गिर गया, तो बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है। इसके अलावा दोस्तों शाहीन बाग के अंदर जो इंटरलॉक्यूटर है, जो मीडिएटर बनाए गए, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मीडिएशन जो है स्टार्ट कर दिया है और अभी वो यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर है उन सभी से। साथ में यहाँ पे दोस्तों आर्मी ने तारीफ करी है सुप्रीम कोर्ट की, जो महिलाओं को लेकर डिसीजन सुनाया है। डिसीजन क्या है होपफुली आपको पता होगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था 2-3 दिन पहले महिलाओं के आर्मी के अंदर जो है फुल परमानेंट कमीशन को, और साथ में जो कमांडिंग फोर्सेज कमांडिंग जो रैंक है वहाँ पर उनको डिप्लॉय करने को लेकर। नेक्स्ट दोस्तों जर्मनी के अंदर भी एक घटना हुई है जिसके अंदर एक जिनोफोबिक आदमी था। जिनोफोबिक का मतलब होता है जिसको फेयर होता है फॉरेनर से, तो उस आदमी ने एक बार में घुस के काफ़ी लोगों को शूट कर दिया। नियर बाय 9 लोग हैं जिनकी जान चले गई। यहाँ पे बात करिए निर्भया केस को लेकर, यहाँ पे 2 दलित है जिनको टॉर्चर किया गया राजस्थान के अंदर। उन्होंने 500 रुपये चुरा लिए थे, कुछ लोग 8-10 लोग आ गए, और बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम वाली जो कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी का क्राइम है जो कि यहाँ पे किया है। तो कल ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, काफ़ी सोशल मीडिया पर कई जगह पर चल रहा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो anti-CAA प्रोटेस्टर है उनसे यहाँ पे 26 लाख रुपए 64 लाख रुपीस है जो कि मांगे गए, क्योंकि कई लोगों ने जो है नुकसान पहुंचाया था। तो ऑब्वियस है प्रोटेस्ट के अंदर कभी भी किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी का नुकसान कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो यानी कि बहुत खराब हो रहा है। अरे भाई गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, रोड है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ होती है, बसेस, गाड़ियाँ, ये जनता के टैक्स से ही बनती है। वो आप ही का पैसा होता है और आप ही आग लगा रहे हो, तो कितनी गलत बात है। मतलब सरकार का पैसा सरकार का नहीं होता है, जनता का ही होता है। ये बात जनता को बतानी कब समझ में आएगी कि जो चीज आप तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो ना, वो आप ही के टैक्सेस किए हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, टैक्स नहीं देते हो, तो आपके पेरेंट्स जो है उनके पैसों की है, आपके रिलेटिव के पैसों की होगी, कोई तो टैक्स दे रहा होगा। और अगर आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट कम्युनिटी है क्या वो टैक्स नहीं देती क्या? अरे भाई आप पेन पेंसिल से लेकर कुछ भी खरीदते हो ना, पिन से लेकर प्लेन तक में हर जगह टैक्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कई बार देखा है कि हेरिटेज साइट के ऊपर लोग जो है वो या समझ रहे हो दिल विल बना के, तीर बना के, पता नहीं नाम नंबर पता नहीं क्या क्या करके चल जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं। CAA क्या है, NPR क्या है, NRC क्या है, ये तो बहुत कॉमन बात हो चुकी है। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो USCIRF के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है दोस्तों, देखो US के अंदर क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है एक USA का, ठीक है, ऑन किस चीज के ऊपर है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। कि दुनिया फ्री, और ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और बताते हैं कि दुनिया में कहाँ पे फ्रीडम को लेकर जो है वो रिलीजन को लेकर फ्रीडम है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे क्या ऐसी घटना हो रही है जिससे वहाँ पे लोगों के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो हम इस बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, और इस बॉडी ने अभी रिसेंटली एक अलायंस का फॉर्मेशन भी किया था। इन्होंने बोला था कि हम दुनिया के सारे कंट्री के साथ में क्या बनाएंगे, एक रिलीजन को लेकर फ्रीडम अलायंस है जिसका फॉर्मेशन करेंगे। तो दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गए। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है इंडिया ने, ठीक है, यूएन चीफ को बोला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर टेरर है, वो सब तो बात हम काफ़ी टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूएसए ने बोला है कि जो CAA से माइनॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होगी और NRC होगा तो उसके बाद में जो नॉन मुस्लिम्स है उनका एक्सक्लूजन है जो कि हो सकता है, तो इसको लेकर ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, मोदी जी ने बोल दिया कि भाई हम इसके ऊपर कोई भी जो है हिलने वाले नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल इंच जो है हम इस मुद्दे के ऊपर नहीं हिलेंगे। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है जो कि उसके बाद में आया है। ठीक है गाइज, पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करी, लेकिन हमारे देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत है कि सही है। बहुत बड़ी अजीब बात है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रीजनल फ्रीडम, ये क्या है कि यूएस की दोस्तों गवर्नमेंट कमीशन है जिसको क्रिएट किया गया इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम एक्ट के द्वारा 1998 के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं इसके जो कमिश्नर दोस्तों वहाँ के प्रेसिडेंट और जो लीडर्स होते हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी के, जो उनके राज्यसभा लोकसभा होती है ना, जैसे कि सीनेट होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, वहाँ के लीडर और प्रेसिडेंट ये मिलकर जो है ना UNCIRF के जो कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट करते हैं। समझ गए, दुनिया में कहाँ पे रिलीजन को लेकर फ्रीडम को लेकर वायलेशन हो रहा है उसको लेकर ये क्या करती है, अपनी रिपोर्ट जारी करती है, रिव्यू करती है फैक्ट को, सर्कमस्टेंसेस को, ठीक है, और यूएसए को बताती है। अभी रिसेंटली दोस्तों इन्होंने क्या बोला था कि हम लोग इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस का फॉर्मेशन करेंगे। इस अलायंस के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर इसको बनाया जा रहा है ताकि प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को पूरी दुनिया के अंदर। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, साथ में अगर मैं बात करूं म्यांमार के अंदर और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे भी वहां पे माइनॉरिटीज़ है उनके साथ में हुआ है। रोहिंग्या के बारे में आपको बताया कितना बड़ा पलायन हुआ है। इसके अलावा भी दुनिया के बहुत सारे देश है, अफ्रीकन देश है वहाँ पर भी है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जहाँ पे इस तरीके के माइनॉरिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन चीज़ों को रोकने को लेकर, सबको फ्रीडम मिले, सब लोग पीस से रहें, उसको लेकर इसके फॉर्मेशन को लेकर बोला गया है। माइक पॉम्पियो जो है दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके लॉन्चिंग के बारे में बोला था। अभी तक दुनिया के 27 कंट्रीज है जो कि इसको ज्वाइन कर चुके हैं, जो बड़े बड़े कंट्री जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। अभी इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, चाइना ने ज्वाइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया है। जो बड़े बड़े देशों ने किया है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, UK, नीदरलैंड, ग्रीस, इन देशों ने जो समझ रहे हो, इन देशों ने जो है इसको ज्वाइन किया। दुनिया के बड़े बड़े देश इंडिया, पाकिस्तान, जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं यहाँ पे तो मेजर वोट बैंक ही रिलीजन है। अगर इसको ज्वाइन कर लिया और अगर रिलीजियस फ्रीडम हो गई तो वोट मांगने में समस्या हो जाएगी, मिनिस्टर्स को मांगेंगे कैसे, डेवलपमेंट के नाम पर तो मांग नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता नहीं है इंडिया प्रेजेंटली तो एटलीस्ट उसका अलायंस को ज्वाइन करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैंड जो है उसके साथ में मिलकर उसको लॉन्च किया गया था और पोलैंड ने दोस्तों अभी जुलाई 2020 के अंदर जो है ना यहाँ पे इसकी जो मीटिंग है उसको ये होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड एक पेपर में सवाल आएगा। अगर आप कोई UPSC का पेपर दे रहे हो या SSC का पेपर या PCS का पेपर, इन तीन में से आपको एक में एक सवाल एग्जैक्टली देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है पेज नंबर 14 दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे साउथ कोरिया में भी। एक तो दोस्तों पहला जो है कोरोना वायरस का केस विटनेस हो चुका है, डेथ केस तो पहले हो चुका था, डेथ हो चुकी है एक आदमी की। यहाँ पे दोस्तों ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे दोस्तों एक अवार्ड का लेकर है जो कि कैट वेब अवार्ड। एक्चुअली में कैट वेब जो है ना ये कौन है, ये एक ऑस्ट्रेलिया, देखो एक न्यूजीलैंड बॉर्न ऑस्ट्रेलियन है, ओके, जो कि दुनिया के अंदर काफ़ी जगह पे उन्होंने अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है वॉर को लेकर या कोई भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की प्रोसिक्यूशन को लेकर कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसकी फेयरलेस रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थी। समझ गए, 2007 में जो है इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, ओके, और दुनिया में काफ़ी फेयरलेस रिपोर्टिंग को लेकर जानी जाती है। वियतनाम वॉर हुई, वहाँ पर भी इन्होंने रिपोर्टिंग करी, ओके। इसके अलावा कुछ टाइम तक के लिए नॉर्थ वियतनाम के द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया, उसके बाद में जो गल्फ वॉर हुई है, इराक के अंदर वॉर हुई है, वहां पे रिपोर्टिंग करी, मैं दिखा देता हूं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इनके नाम से एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था। तो ये अवार्ड है ना, ये अभी रिसेंटली अहमर खान को जो है दिया गया है। अहमर खान कौन है? ये 27 साल के युवा है और इंडिया के फ्रीलांस रिपोर्टर है दोस्तों, जिनको विनर इस साल का अनाउंस किया गया है। ठीक है, कश्मीर के अंदर जो इन्होंने रिपोर्टिंग करी है लॉकडाउन होने के बाद में भी, उस चीज को लेकर जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 15 को लेकर। यहाँ पे हम बात करेंगे व्हीकल्स का। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी हालत अभी भी खराब ही है, आप देख सकते हैं 7% और जो है नीचे चला गया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों वर्ल्ड के सेकंड बिगेस्ट कंट्रोल सेंटर की, जो कि गुड्स की ट्रेन के लिए बनाया गया है। देखिए गाइज इस, और साथ में यहाँ पे एक्सिस बैंक को भी न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक न्यूज और है यहाँ पे SBI कार्ड को लेकर। तो ये 3 न्यूज है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सिस बैंक वाली देख लेते हैं। ये वाली न्यूज क्या है? तो एक्सिस बैंक अभी क्या करने वाला है, साथ में उन्होंने क्या करा है, MOU साइन किया है, पैक्ट साइन किया है, किसके साथ में? मैक्स लाइफ के साथ में, ताकि स्टेक को और रेस कर सके। एक्सिस बैंक दोस्तों एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटीज कि किस तरीके से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है ना, उसके अंदर अपने स्टेक को बढ़ा सके। समझ गए? अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को यहाँ पे एक अनलजीत करके पर्सन है, वो इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो किस तरीके से स्टेक बढ़ा सकते हैं उसको लेकर यहाँ पे बातचीत करी जा रही है। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है दोस्तों, और उनकी जो पेरेंट कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मैक्स लाइफ की पेरेंट कंपनी है, उसके साथ में भी किया गया है। समझ गए मेरी बात? अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ दोस्तों मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो कि पेरेंट कंपनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, जो कि 72.5% स्टेक है ना इसके मैक्स लाइफ के अंदर है। एक्चुअली मैक्स लाइफ जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से जो है इसको स्टेक को लेकर बातचीत करी जा रही है। इसके अलावा मैक्स लाइफ के अंदर दोस्तों मित्सुई करके एक और मित्सुई, उनके शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा एक्सिस बैंक के भी शेयर होल्डिंग है। अभी जो एक्सिस बैंक की शेयर होल्डिंग है वो मात्र 2% की है, और मित्सुई जी है इसकी जो 25% की है मित्सुई की। समझ गए? तो यानी कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 3 बड़ी कंपनी जो है उनका अभी शेयर होल्डर है। कौन है? एक तो मैक्स फाइनेंशियल कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है, दूसरी हो गई मित्सुई नाम से एक है, और तीसरी एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक के मात्र 2% शेयर है, तो वो इसको बढ़ाने को लेकर यहाँ पे काम कर रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक्सिस बैंक की, तो आपको मालूम है अभी इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? मखीजा जी है, मखीजा। और साथ में जो अभी MD है वो कौन है? चौधरी जी है ना, उनका नाम है मेरे ख्याल से अमिताभ चौधरी है, आई गेस है ना, अमिताभ चौधरी होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको मालूम है मुंबई के अंदर है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था एक्सिस बैंक का 1993 के अंदर हुआ था, 1993 के अंदर है जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों वर्ल्ड का, क्योंकि वर्ल्ड का बिगेस्ट कंट्रोल सेंटर जो है ना किसके लिए? गुड्स ट्रेन के लिए जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसको कहाँ पे बनाया गया दोस्तों? इसको वाराणसी के अंदर है, जो कि इनॉग्रेट किया जा रहा है वाराणसी के अंदर। वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, गुड्स की जो सामान की जो ट्रेन होती है ना उसको लेकर, जो कि बनाया गया दोस्तों, और इसका ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। मोदी जी जो है इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये सेंटर कहाँ पे बनाया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसको प्रयागराज के अंदर बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी इस मुद्दे के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आपको मालूम है हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जो सामान जो हम भेजते हैं ना ट्रेनों से, देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि सबसे सस्ता सामान भेजने का जो तरीका होता है वो होता है पानी के थ्रू, वाटरवेज जिनको अपन कहते हैं। दूसरा सबसे सस्ता तरीका होता है रेलवेज, तीसरा होता है रोड, और चौथा होता है अपने प्लेन, जो कि सबसे महंगा होता है। रेलवे के थ्रू हम काफी सारा सामान है जो कि एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं। अभी प्रेजेंटली क्या हुआ था कि अभी हमारे अगर जो स्पीड की ट्रेनों की बात करें ना, जो कि सामान लेके जाती है, जिसको हम फ्राइट ट्रेन कहते हैं, जिनको अपन गुड्स ट्रेन कहते हैं, जो सामान लेके जाती है, उनकी स्पीड है मात्र 25 से 30 किलोमीटर पर आवर। अब यार 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के अंदर आप कितना टाइम लग जाता है, कितना इफिशेंसी कम हो जाती है, आपको भी मालूम है। तो सरकार ने क्या किया था 2006 के टाइम पे जो एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था DFCCIL, इसका नाम था डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2006 में बनाई गई थी, और बोला गया कि हमें क्या करेंगे, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, इस तरीके से 2 कॉरिडोर बना देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? सामान को भेजने के लिए होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर डेडिकेटेड होगा सिर्फ तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर पर आवर है जो कि हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगा, इससे हमारे गुड्स जल्दी पहुंचेंगे, पैसा कम लगेगा, टाइम कम लगेगा और इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसको लेकर जो है वो काम करना स्टार्ट किया गया था और इसको लेकर जो इसका कंट्रोल सेंटर है ना वो वाराणसी के अंदर बनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी है जो कि यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 1800 किलोमीटर का तो ईस्टर्न कॉरिडोर है और इसी प्रकार से एक वेस्टर्न कॉरिडोर भी है जो कि बनाया गया है। आप देख सकते हैं, आपके सामने डायग्राम है। लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर और ये जा रहा है धनकुनी वेस्ट बंगाल की तरफ। ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर है। और अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो मेरे दादरी है वहाँ से लेकर स्टार्ट करते हुए वेस्टर्न कॉरिडोर है जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में, वहाँ पे जा रहा है। समझ गए। इसके अंदर जो 300 किलोमीटर जो है ना उसकी शुरुआत भी हो गई थी वेस्टर्न कॉरिडोर की। मांडर करके जगह राजस्थान में और हरियाणा के अंदर जो बेवाड़ी है, रेवाड़ी जो है ना, यहाँ से इसकी शुरुआत करी गई 300 किलोमीटर की, लास्ट ईयर करी गई थी। तो ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर आ गया था उस टाइम पे भी। समझ गए। तो वेस्टर्न कॉरिडोर भी आप देख सकते हो नियर बाय 1500 किलोमीटर का है और ईस्टर्न कॉरिडोर जो है वो 1839 किलोमीटर का है। इसको तो दोस्तों जो जापान की जो है, जापान एक इन्वेस्टमेंट है, ग्रुप है, वो इसको फंड कर रहा है और इसको जो फंड कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक है जो कि इसको फंड कर रहा है। यहाँ से एक सवाल आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, इसको किसने, वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको फंड किया है। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके जो एमडी बनाए गए हैं जो ये है ना, मैंने आपको बताया ना DFCCIL, इसके जो MD है वो है अनुराग सच्चन करके है जो कि इसके अभी हेड बनाए हुए हैं जो कि इसको देख रहे हैं। ठीक है गाइज, अभी इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना इसको बनाने में, वो क्या आ रही है कि लैंड एक्विजिशन को लेकर, जमीन को जो लेने को लेकर जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी बताऊंगा कितने सारे केसेस है जो कि इसके अंदर हो चुके हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कई सारे राज्यों से होके हो रहा है, बोला जा रहा है कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो है 2021 तक जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि पहले तो 2019 की डेट दी हुई थी, लेकिन आपको मालूम है अपना मेरा भारत महान, कोई भी जो काम है वो अपने टाइम पे नहीं होता है और उसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ती जाती है, घाटा बढ़ता जाता है। उसके बाद इलेक्शन आ जाते हैं, फिर वापस से सब लोग अपने इलेक्शन में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, फिर चीज डिले हो जाती है। तो ऐसे चलती रहती है ना। आपको मालूम है जैसे कि रेलवे का पेपर इलेक्शन था तो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया था, वोट मिल गए, तो उसके बाद 1 साल हो चुका है, अभी रेलवे की वैकेंसी का आता पता ही नहीं है। तो वो इसी तरीके से होता है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है इसके लिए लोन दिया है कितने का, 1.86 बिलियन डॉलर का। समझ गए मेरी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यह देख सकते हो यहाँ पे केसेस जो है ना कोर्ट के अंदर, ईस्टर्न कॉरिडोर के जो है वो 1500 केसेस चले गए हैं और वेस्टर्न के अंदर 400 केसेस है जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं। 50% केसेस का तो निपटारा हो चुका है, लेकिन 50% केसेस का अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। और रेवाड़ी से मादर के बीच में 300 किलोमीटर का स्टार्ट हो गया था। ये पहला हमारा जो है वो ओपन किया गया था 1500 किलोमीटर वेस्टर्न कॉरिडोर को लेकर। समझ गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये वेस्टर्न वाला तो ब्रॉड गेज का होगा, 1500 किलोमीटर का होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये जाने वाला है। 2006 के अंदर DFCCIL की इसकी शुरुआत करी गई थी। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि SBI कार्ड को लेकर है। SBI जो कार्ड है ना, जो कि देश में सबसे ज़्यादा जो है बिकने वाला कार्ड है, सबसे ज़्यादा कार्ड जो है ना वो HDFC के हैं वैसे मार्केट में, उसके बाद SBI के कार्ड हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी पब्लिक ऑफरिंग है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं मार्च 2। इससे क्या होगा, IPO आने से क्या होगा, 10,000 करोड़ रुपए हैं जो कि इनके पास में आ जाएंगे। IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब मार्केट में शेयर आते ना किसी भी कंपनी के, तो हम उसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO लोग खरीद लेंगे सब, समझ गए, कंपनी को पैसा मिल जाएगा और फिर ये जो लोग खरीदेंगे ना, जैसे कि रामलाल ने खरीद लिया, श्यामलाल ने खरीद लिया, ओके, चुन्नीलाल ने खरीद लिया, ठीक है, नाथूराम ने खरीद लिया, मूंगालाल ने खरीद लिया, तो इन सब ने खरीद लिया। अभी ये लोग क्या करेंगे इन शेयर का, अरे भाई घर पे ले जाके क्या करेंगे, ये लोग इसको ट्रेड करेंगे। कहाँ पे करेंगे ट्रेड, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा हो गया, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर ये बेचेंगे, कोई और खरीदेगा, फिर और बेचेगा, कोई और खरीदेगा। इस तरीके से यहाँ पे सेकंड हैंड जो शेयर होते हैं उनकी सेल परचेज चलती रहती है। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 500 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू है जो कि पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा करे जाएंगे दोस्तों। और ठीक है, 5 दिन के लिए जो है इसकी ओपनिंग करी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बाकी सब चीज़ें बता ही चुका हूँ। मार्केट के अंदर दोस्तों 18% का शेयर है HDFC का, उसके बाद में सेकंड नंबर पे SBI कार्ड का है और 76%। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये SBI कार्ड है ना, इसके अंदर 76% जो स्टेक है वो तो है SBI के, मतलब SBI बैंक के, और बाकी जो है ना वो है एक कार्लाइल ग्रुप करके है, उसके स्टेक है, समझ गए। बाकी जो भी आपके 15-24% बच रहे हैं, तो SBI कार्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे नहीं है, 76% SBI के पास में और 24% ये कार्लाइल ग्रुप करके उसके पास में है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि स्पोर्ट्स को लेकर है। स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे ESPN अवार्ड को लेकर। तो गाइज PV सिंधु जो है उनको अवार्ड मिला है ESPN का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। कई सारे अवार्ड मिले हैं, देखो एक एक करके सुन लो सारे के सारे। PV सिंधु जो है उनको तो ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का मिला है। तीसरे साल लगातार PV सिंधु को ESPN स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से, स्पोर्ट्स फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। अगर मैं मैन कैटेगरी पुरुष कैटेगरी की बात करूं तो सौरभ चौधरी जो है शूटर, उनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी का अवार्ड है जो कि मिला है। दूती चंद जो है उनको करेज अवार्ड मिला है दोस्तों, इंस्पिरेशनल के लिए, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड। इंस्पिरेशन के लिए किसको मिला है? दूती चंद को मिला है। जो कुनेरू हम्पी है उनको कमबैक ऑफ द ईयर का है। रेसलर जो है दीपक पूनिया उनको इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का। कोच का मिला है दोस्तों पुलेला गोपीचंद को, ठीक है। इसके अलावा मनु भाकर और सौरभ चौधरी को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि उससे नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, PV सिंधु ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी वो क्या था? मोमेंट ऑफ द ईयर था। साल का जो मोमेंट ऑफ द ईयर था वो कौन सा था जब PV सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो उन्होंने जीती थी। इसके अलावा बलबीर सिंह है दोस्तों, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। वो हॉकी के प्लेयर हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी और मेलबर्न ओलंपिक के अंदर गोल करे थे। ठीक है गाइज, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि भारत ने 3 गोल्ड मेडल और जीत लिए हैं दोस्तों महिलाओं के वर्ग के अंदर। ग्रीको रोमन जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है ना दिल्ली के अंदर, सीनियर एशियन चैंपियनशिप जो हो रही है ना अभी, एशियन चैंपियनशिप, ठीक है, इसके अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। किस किसने? दिव्या ने, पिंकी ने और सरिता ने। तीनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। अभी आपको मालूम है चाइना के और कोरिया के रेसलर आए हुए नहीं है, तो थोड़ा सा क्या हो गया है, भारत के चांसेस काफ़ी अच्छे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट है नेपाल ने 17वां नेशनल डेमोक्रेसी डे जो कि सेलिब्रेट किया 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को क्या मनाया? 17वां नेशनल डेमोक्रेसी डे है मनाया। डेमोक्रेसी डे दोस्तों क्यों कैसे मनाते हैं? एक्चुअली के अंदर 1951 में क्या हुआ था, यहाँ पे राणा डायनेस्टी हुआ करती थी, जिनके राणा डायनेस्टी के लोग ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना करते थे, बार बार उनके बेटे जो है यहाँ पे मिनिस्टर बन जाया करते थे, समझ गए। तो उनसे आज़ादी मिली 1951 के अंदर, तब से ये लोग जो है वो डेमोक्रेसी डे है जो कि मनाते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं राणा डायनेस्टी क्या थी, एक राजपूत डायनेस्टी थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, नेपाल के अंदर 1846 से 1951 तक जो है उन्होंने रूल है जो कि किया है। ठीक है दोस्तों, और प्राइम मिनिस्टर पहले वो बना करते थे, उसके बाद में रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद में इनको चेंज किया गया, उसके बाद से डेमोक्रेसी मनाते हैं। बिंदिया देवी भंडारी यहाँ पे अभी कौन है? प्रेसिडेंट है। ओली शर्मा जी अभी यहाँ पे PM बने हुए हैं। रुपये वहाँ पे करेंसी है, इंडियन करेंसी जो है वो 100 रुपये से कम की चलती है, पहले तो सारी चलती थी लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद में घबरा गए ये लोग भी बेचारे कि इतने सारी भारतीय करेंसी का करे क्या, वरना पहले इंडियन करेंसी नेपाल में और भूटान में क्या होती है, एक्सेप्टेबल है, लीगल टेंडर है, आपको ज़रूरी नहीं है उनकी करेंसी एक्सचेंज कराओ, आप अपनी करेंसी के अंदर भी काम जो है चला सकते हो, समझ गए मेरी बात। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश जो है वो एक मोंगला पोर्ट है, उसकी कैपेसिटी है जो कि बढ़ा रहा है। पेपर में पूछेंगे मोंगला पोर्ट कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर बातचीत करी जा रही है, ओके। और इससे क्या होगा, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, जिसको बोलते हैं BBIN रीजन के अंदर जो हुआ एक्सपोर्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़े जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो मोंगला पोर्ट के अंदर जो है MOU इन चारों देशों ने ऑलरेडी साइन करा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया UK को, फ्रांस को, और दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है जो कि बन चुका है, ये आपको मालूम है दोस्तों, ठीक है। $2.94 ट्रिलियन जो कि भारत की GDP है, आप देख सकते हैं। USA नंबर 1 के ऊपर है दोस्तों जो कि $19 ट्रिलियन $19 ट्रिलियन है, फिर चाइना है दोस्तों जो कि 13-14 के पास में $1 ट्रिलियन है, फिर जापान है जो कि कोई, जापान की बात करें तो मेरे ख्याल से जापान की जो है 4 के आसपास होगी, जापान की भी ठीक है 4-5 के आसपास होगी जो कि जापान की होगी, फिर जर्मनी 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर और भारत की जो है वो क्या है 5वें नंबर पे भारत आ चुका है 2.91 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। ठीक है गाइज, तो ये जीडीपी के अंदर दुनिया में 5वें नंबर के ऊपर है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है अपना दोस्तों वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 5 स्थान सुधर गई है और 35वें नंबर के ऊपर आ गई है, तो ये एक अच्छा संकेत है। फाइनली काफ़ी टाइम बाद कोई रैंकिंग के अंदर भारत के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो काफ़ी खुशी होती है जब इंप्रूवमेंट देखते हैं। तो पहले भारत की रैंकिंग 40 हुआ करती थी, अभी भारत की रैंकिंग 5 स्थान से जंप करके 35वें पे पहुंच गई है। ये क्या रैंकिंग है? एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। एक्चुअली में इसको जो पब्लिश किया जाता है ना वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट दोस्तों वही वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आता है ना उसकी रैंकिंग निकालती है, जिसके अंदर भारत की रैंक क्या है रिसेंटली 51 ग्लोबल डेमोक्रेसी के अंदर भारत की रैंकिंग है। ठीक है, तो वही है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसी ने जो है एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स है जो कि रैंक निकाली है। भारत जब इंप्रूव होता है ना तो पेपर में जरूर आता है सवाल, समझ गए मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा 35वीं भारत की रैंक है, इससे पहले 40 हुआ करती थी। फिनलैंड जो है दोस्तों दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है, उसके बाद में स्वीडन है और लास्ट के ऊपर है आपका कांगो जो है वो लास्ट नंबर के ऊपर है। दुनिया की कितने में से है? 50 देशों में से है वैसे एक्चुअली में ये रैंकिंग। दुनिया के 50 ऐसे देश जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एक मैनेज तरीके से चल रहा है, उनके बारे में बताया गया कि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है। एक्चुअली के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि 3 पैरामीटर के ऊपर देखा जाता है इस रैंकिंग को, समझ गए? एक तो पॉलिसी इन्वायरमेंट, कैसी पॉलिसी एजुकेशन को लेकर, टीचिंग इन्वायरमेंट कैसा है और साथ में सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, पढ़ाने का माहौल वहाँ पे, फैसिलिटीज, इन सब चीज़ों को लेकर, समझ गए? थीम इस साल की जो रखी गई है वो फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस है जो कि रखी गई है। दुनिया के 50 देशों में भारत की रैंक 35 है। हालांकि ये 35 रैंक भी अच्छी नहीं है, आपको मालूम है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसके हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ओके। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसके अंदर तो फिर भी वाईफाई स्टडी के आने के बाद में काफ़ी लेवल सुधर गया है, आपको ज़रूरत नहीं है कि कोचिंग जाने की, पैसे देने की। आपने कॉलेज में क्या पढ़ा, आपने इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता है, आपको बेसिक से चीज़ें सिखाई जा रही है। लेकिन स्कूल लेवल की आज भी बात करें जो कि फाउंडेशन होता है, जिस कंट्री का स्कूल लेवल बहुत अच्छा है ना, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ये मान लो उस देश का भविष्य जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक बार पहले भी मैंने आपको बोला था, समझ गए, कि किसी भी देश को डिस्ट्रॉय करना है ना तो उसको, उस देश के डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका क्या होता है कि उनके एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर दो। अगर किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है तो डॉक्टर्स वहाँ पे ऐसे बनेंगे जो कि कभी इलाज नहीं कर पाएंगे, इंजीनियर्स ऐसे बनेंगे कि ब्रिजेस, रोड टूटती जाएगी, साइंटिस्ट ऐसे बनेंगे कि उस देश के अंदर साइंटिस्ट कोई साइंस के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, मिनिस्टर्स ऐसे बनेंगे जो कि पॉलिसीज़ क्या होती है, एक अच्छी वेलफेयर पॉलिसीज़ वो उनको पता नहीं होगी। तो एजुकेशन क्या होता है, सबसे बड़ा बैकग्राउंड होता है, फाउंडेशन होती है, समझ गए? ठीक है, तो पॉलिसी इन्वायरमेंट हो गई, टीचिंग इन्वायरमेंट हो गई, सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गई, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पे ये रैंकिंग है जो कि दी गई है। ठीक है, इस बांग्लादेश और बाकी बात करें तो 47 रैंक के ऊपर है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऊपर के 5 देश है फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और नीदरलैंड। यहाँ पे 81% जो यूथ है ना 15 से 24 साल का वो इन देशों के अंदर आ चुका है। दुनिया की 88% जो पॉपुलेशन है वो इसके अंदर दोस्तों कवर हो चुकी है। ठीक है, समझिए मेरी बात? और आप लोग जो इतना अच्छा पढ़ रहे हो तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि भाई अपने घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है, कोई भी है, उसको पढ़ाने की कोशिश किया करो ताकि आप भी उसका लेवल को थोड़ा इंप्रूव कर सको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं जो कि है दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तिलहन मिशन, ताकि क्या कर सके, ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो आपको मालूम है दोस्तों पहले टाइम पे एक बार येलो रिवोल्यूशन हुआ था, आपको मालूम है ना, जिसमें हमने ऑयल सीड्स को का प्रोडक्शन है जो कि काफ़ी बढ़ाया था। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, तिलहन जो है उसके उत्पादन को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि देश क्या कर सके, ऑयल सीड के प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट जो कि हो सके। अभी आपको मालूम है 19 तारीख को क्या हुआ था, सॉइल हेल्थ कार्ड डे है जो कि हुआ था। ठीक है, समझ गए, सॉइल हेल्थ कार्ड डे, तो उसी के दिन क्या है इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है दोस्तों। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी बोला गया है दोस्तों, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए जो कि अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया 34th स्टेटहुड डे 20 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश को ने 34 स्टेटहुड डे है जो कि 20 फरवरी को मनाया है। 87 के अंदर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का जो है ये बना था, उससे पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, समझिए मेरी बात। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करे गए, कुछ ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पेमा खांडू जी यहाँ पे अभी कौन है, सीएम है, और बीडी मिश्रा अभी यहाँ पे गवर्नर है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है संजय कोठारी, उनको नेक्स्ट सीवीसी बना रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और बिमल जुल्का जी जो है उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो कि बना दिया जा रहा है। ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले भी अखबार में आया था लेकिन तभी कंफर्म नहीं किया गया था, अभी कंफर्म कर दिया गया, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ, समझिए। संजय कोठारी ध्यान रखिएगा दोस्तों चीफ विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं। विजिलेंस कमिश्नर का काम क्या होता है, सतर्कता आयोग होता है। जो भी आईपीएस आईएएस से लेकर कितने भी ऑफिसर होते हैं ना अपने गवर्नमेंट के, उनकी करप्शन की जांच पड़ताल करता है विजिलेंस कमिश्नर, समझ गए मेरी बात। इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितना, 4 साल का होता है, 4 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो सब आपको मालूम है। इसके अलावा यहाँ पे बिमल जुल्का जी की बात करें जो कि इनको अपॉइंट कर दिया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये अपन जब आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई का जो लास्ट इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं, समझ रहे हो। तो सबसे ऊपर की जो रैंक है वो यही वाली होती है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जुल्का जी को बना दिया गया। इनका जो कार्यकाल था वो पहले 5 साल का हुआ करता था, है ना। और अभी इसको जो है पहले तो हुआ करता था वाया था पहले VIE, तो पहले 4 साल का था, अभी इसको 3 साल कर दिया गया है, ठीक है, 3 साल कर दिया गया है। और आपको मालूम है मैंने बनाया था आपको कि कैसे सरकार ने जो है वो आरटीआई की जो पावर है उसको कम किया है। आपको मालूम है ना, मुद्दा हुआ था यार मोदी जी की डिग्री के बारे में मांग ली गई थी, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उन्होंने जानकारी अवेलेबल करवा दी, देश में मुद्दा बन गया मोदी जी की डिग्री को लेकर। अपनी वो कौन है, सास भी कही बहू थी, स्मृति ईरानी जी जो है, ठीक है ठीक है, तो स्मृति ईरानी जो है उनकी डिग्री को लेकर काफ़ी मुद्दे हुए थे। तो उस टाइम पे जो है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई। तो सरकार ने क्या किया, अमेंडमेंट किया और बोला कि भाई 4 साल का कार्यकाल नहीं होगा, 3 साल का कार्यकाल होगा और हमारे हिसाब से जो है वो सैलरी डिसाइड करी जाएगी, समझ गए। ये बदलाव है जो कि किया गया था। आरटीआई का क्या हुआ, आरटीआई का भी जवाब नहीं आया दोस्तों। 30 दिन का होता है टाइम पीरियड, उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके जब आएगा तो मैं वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बना दूंगा, समझ गए। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है 2 नए बर्ड के स्पीशीज है जो कि उनके बारे में पता किया गया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड है, कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड अभी आपको मालूम है रिपोर्ट भी आई थी और यहाँ पे अभी लद्दाख के अंदर 2 नए बर्ड है वो पता करे गए, ओके, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के तौर पे अभी काउंटिंग करी जा रही है बर्ड्स की, उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नाम जो है वो कौन सा, एक तो रेड थ्रोटेड थ्रच करके, एक वाटर रेड स्टार्ट करके है। ये 2 बर्ड है जो कि पहली बार लद्दाख के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है। 3 दिन की एक्सरसाइज है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड क्लब ऑफ लद्दाख के द्वारा इसको किया जा रहा है, ठीक है गाइज, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अभी आपको मालूम है विस्तारा ने बोला था कि वो वाईफाई है ना अवेलेबल करवाएगी, कहाँ पे, फ्लाइट के अंदर भी। अभी क्या होता है इंडिया में जब आप ट्रैवल करते हो तो 2000-3000 मीटर से जो ऊपर बढ़ता है ना प्लेन, तो क्या होता है आपका नेट का कनेक्शन है जो कि चले जाता है, कोई फोन कॉल आपका नहीं लगता ना, आपका इंटरनेट चलता है, मालूम है ना ये बात आपको। तो अभी विस्तारा बोली थी जो कि हम लोग क्या करेंगे, वाईफाई अवेलेबल करवाएंगे, वाईफाई मिलेगा तो वाईफाई स्टडी भी जो है आप फ्लाइट के ऊपर भी आराम से पढ़ सकते हो जब फ्लाइट में होते हो ऊपर हाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं कि ये मुद्दा क्या है, क्यों अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, क्या हो चुका है उसके बारे में पूरा एक बार, ठीक है। तो अभी जल्दी रियलिटी होने वाली है कि आपको जो है वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है। अभी लास्ट ईयर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोल दिया था कि वो जो है इन फ्लाइट सुविधा जो है वो अवेलेबल करवाने वाले हैं, वाईफाई सुविधा फ्लाइट के अंदर, समझ गए। ये बात उनके द्वारा अप्रूवल दी गई थी दोस्तों, ओके। डाटा सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाएगी, वॉइस कॉल जो है अभी अवेलेबल नहीं करवाने के लिए बोला गया है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जब आप फ्लाइट के अंदर होते हो 3000 मीटर से ऊपर की हाइट में तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहती है, समझ गए। तो इस तरीके से एक पैरामीटर होता है कि आपको सैटेलाइट के द्वारा जो है आपको इंटरनेट सुविधा है जो कि अवेलेबल करवाई जाती है। और प्लेन के ऊपर क्या होता है, एक एंटीना लगाना पड़ता है, एक एंटीना लगता है प्लेन के ऊपर और वो एंटीने के माध्यम से क्या होता है ये कैच करती है और फिर आपको यहाँ पर सुविधा अवेलेबल करवाई जाती है इंटरनेट की। समझ गए मेरी बात, कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि एयरलाइंस को क्या करना पड़ेगा, अपने जो नए प्लेन्स है ना उनके अंदर एंटीना है जो कि लगाना पड़ेगा। अरे भाई बचपन में टीवी का एंटीना ऊपर नीचे नहीं करते थे क्या, बस उसी तरीके से तो एंटीना जो है ना, ठीक है, तो रॉयल एंटीना जो है, एक एंटीना है जो कि नई वाली जो फ्लाइट आएगी उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, कॉस्टिंग आएगी तो पैसे तो देने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो फ्री डेटा देती है 100 MB तक पहली बार अगर आप जाते हो या फिर किसी बिजनेस क्लास में जाते हो तो। इमिरेट्स जो कि यूएई की कंपनी है ये 20 MB देती है फ्री डेटा, उसके बाद में $10 आपको देने पड़ते हैं मात्र 150 MB के, ठीक है, 150 MB के लिए आपको $10 है जो कि पे करने पड़ते हैं। 500 MB का डाटा चलाना है तो आपको कोई $15-16 है जो कि आपको देने पड़ेंगे, समझ गए, तो एक्स्ट्रा पैसा है जो कि देने पड़ेंगे। अभी क्या रेट होगी भारत के अंदर ये कोई बताया नहीं गया है, और कितना चार्ज लगा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ये तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, समझ गए। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रानी लक्ष्मी बाई के बारे में, नो द ब्रेव्स ऑफ मदरलैंड। तो जैसा कि आपको मालूम है डेली हम लोग दोस्तों एक भारत के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आज हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों भारतीय स्ट्रगल इंडिपेंडेंस का पहला जब हुआ था उसके अंदर काफी बड़ा रोल प्ले किया था। मणिकर्णिका तांबे के नाम से इनका जन्म हुआ 1828 में वाराणसी के अंदर। 4 साल की उम्र के अंदर इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर ने ही इनको जो है पाल पोस के बड़ा किया, सारी तीर कमान चलाना, तलवार चलाना, एजुकेशन से लेकर तीरंदाजी करना सब कुछ है जो कि इनको सिखाया गया बचपन में, घुड़सवारी करना। उसके बाद में 1842 के अंदर लक्ष्मीबाई की जो है वो शादी हो जाती है, जब मात्र 14 साल की थी ना ये, 14 साल की उम्र के अंदर इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, किसके, गंगाधर राव से जो कि महाराजा थे झांसी के, और उसके बाद में इनका नाम पड़ता है रानी लक्ष्मीबाई। 4 साल की कुछ जब शादी के कुछ साल बाद में दोस्तों 1851 के अंदर उन्होंने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा ज़्यादा टाइम तक नहीं जी पाता है और पैदा होने के 4 मंथ के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं उनके कज़न जो ब्रदर है उनका बेटा जिसका नाम था आनंद राव, समझ गए, जिसको बाद में नाम दामोदर है जो कि दिया गया था। डलहौजी जो है दोस्तों वो एक आपको मालूम है हड़प नीति लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि कोई भी अडॉप्टेड जो बच्चा होगा ना वो राजा नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या था, आनंद राव जो है वो ये सॉरी क्या नाम है, दामोदर जो है वो अडॉप्टेड था, तो ये एक इशू था। और रानी झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई है वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके से जो है वो झांसी साम्राज्य ब्रिटिशर्स के पास में चले जाए। ओके, तो वो एडवांटेज लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स। दोस्तों महाराजा की भी डेथ हो गई थी, जब ये महाराजा थे उनकी भी 18 साल की थी ना जब रानी झांसीबाई, तब 18 साल की जब ये थी तब उनकी हस्बैंड जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, डॉक्ट्रिन लैप्स से क्या हुआ दोस्तों, डलहौजी ने सोच लिया कि सबको कैप्चर करना है, और उसी के बाद में दोस्तों क्या हुआ, लड़ाई जो है वो शुरुआत होती है। रानी झांसीबाई लक्ष्मीबाई जो है पूरी तरीके से मना कर देती है, एक पूरी तरीके से आर्मी खड़ी करती है। जब ये पता लगता है कि वहाँ पे अटैक होने वाला है तो ये महिलाओं भी उस आर्मी के अंदर शामिल होती है, और ताता तोपे नाना साहब जो है इनको सपोर्ट करते हैं। और ब्रिटिश आर्मी जब एंटर करती है झांसी के अंदर, तो रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों अपने बेटे को जो है वो यहाँ पे बांध कर घोड़े के ऊपर जो है वो दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ रही होती है, ठीक है, उस टाइम पे, और काफ़ी ब्रेवली लड़ती है। और उसके बाद में जो है जब लगता है कि यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो वहाँ से कहाँ पे, ग्वालियर चली जाती है। फिर वहाँ पर भी एक और बैटल तैयार करती है, और बैटल होती है उनकी ब्रिटिशर्स और उनके पास में, और फाइनली दोस्तों ठीक है 1858 के अंदर 17 जून को क्या हो जाती है, ह्यूज रोज करके एक जो है इसके सामने जो है वो लड़ाई लड़ती है, ब्रिटिश होता है ये कमांडर होता है, और वहाँ पे वो शहीद हो जाती है। ह्यूज रोज जो है दोस्तों उसने अपनी जो किताब है उसके अंदर काफ़ी बड़ा बखान है जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में किया है, काफ़ी कुछ बताया है उनकी ब्रेवरी को लेकर, ठीक है गाइज। और ये एक बोर्ड भी लगाया हुआ है ओके झांसी के अंदर कि जहाँ से उन्होंने जंप करी थी अपने घोड़े के साथ में, अपने जो है बच्चा है उसको शोल्डर पे बांध के, ठीक है, तो काफ़ी हाइट के ऊपर है ये एरिया एक्चुअली के अंदर, ठीक है। इस बात करते हैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस प्रिंस कुमार और शुभम की। प्रिंस कुमार बोलते हैं कि 4 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और अभी इनका डीएमआरसी का पेपर था, डीएमआरसी के पेपर में जो भी करंट अफेयर के सवाल आए वो इसी में से थे और इन्होंने बिल्कुल सही करे। इसी प्रकार से शुभम ने यूके फॉरेस्ट का पेपर दिया। यूके का मतलब है यहाँ पे उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है ना। यूके फॉरेस्ट का पेपर दिया, 10 क्वेश्चन करंट के आए थे और सारे के सारे पढ़ाए हुए आए थे और उन्होंने आसानी से कर दिए। अभी तक इनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इनकी जीके खराब थी। अभी करंट अफेयर जीके अच्छी हो चुकी है तो होपफुली इस बार इनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूजीसी, कैट, CDS, PCS का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो BHU NESS बुनेस्टन रेफरल कोड लगा देना अनअकैडमी के ऊपर। 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। SSC, CGL, CHSL की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मेरा करंट अफेयर का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। जल्दी ही आपके लिए बायोलॉजी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। साथ में करंट अफेयर की बात करें तो 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ। मात्र आपको क्या करना है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो कि लेना है। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे जो कि मात्र 1000 रुपये का है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी कंप्लीट जीके भी कर सकते हो, साथ में आप करंट अफेयर भी कर सकते हो 6 महीने का, और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस मिल जाएगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, CGL के सारे और CHSL के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से SBI और रेलवे में भी आप रेफरल कोड बुनेस्टैन लगा सकते हैं। करना करनी है, डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। अरे भाई, आपका कोई से भी एग्जाम का कोई सा भी गोल हो, आप तो यहाँ पे बुनेस्टैन है जो कि लिख देना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सारे के सारे सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस हैं जो कि मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे SSC ले लिया, फिर आप यहाँ पे प्लस में गए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर यहाँ पे 6 महीने, 12 महीने और 1 महीने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ CGL और CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो 1 महीने का ले लेना, और अगर आप MTS, GD, CPO, JEE इनके एग्जाम की स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने या 12 महीने का भी ले सकते हैं। फिर रेफरल कोड में आपको BHU NESH बुनेस्टैन डाल के अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय बुने सर, ज्वाइन कर लेना। 26,000 के आसपास बच्चे होंगे, वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पहला सवाल है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस तारीख को मनाया गया था? नेक्स्ट है, अपना राज्य दिवस अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है तो कौन से साल जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में AFC वुमेन एशियन कप इन 2022 को होस्ट करने वाला है? नेक्स्ट है, एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया है? इन फ्लाइट वाईफाई सेवाओं की पेशकश करने वाली पहली एयरलाइंस है जो कि कौन सी बन गई है? और सरकार किस वर्ष तक 53 मिलियन मैट्रिक टन से 108 मिलियन मैट्रिक टन दूध क्षमता को दुगना करने की योजना बना रही है? भारत किस वित्तीय वर्ष से थर्मल कोयले का आयात बंद करेगा? भारत में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किस देश ने अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की मंजूरी दी है? निम्नलिखित में से किसे 2020 टोक्यो ओलंपिक के आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया है? तो ये महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।